अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 के जिस मिनट की पोस्टिंग का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एडजस्टमेंट है, उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सेकेंड स्टेप जो है हमारा एडजस्टमेंट है, तो उसमें से पहला एडजस्टमेंट देखिए क्या दिया है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज ऑफ ₹37,000। तो उसका पहला इफेक्ट दिया है, इफेक्ट हम देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, ऐसे थे मैंने ऑलरेडी लिखा है। तो अब इसको पोस्टिंग कर देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 37,500। अब ये हम लोग जो इसका दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ₹37,500। ये हो गया। अब उसके आगे जाते हैं, उसके आगे है हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट। सेल्स सेल्स इंक्लूडेड सेल ऑफ मशीनरी ऑफ ₹2,000 विच इज सोल्ड इन 1 अप्रैल 2018। तो अभी ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमें जो सेल्स किया था, मशीन का सेल किया लेकिन सेल्स में डाल दिया। मशीन का सेल किया तो मशीन में से माइनस करना चाहिए था, लेकिन उसको सेल में लिख दिया था। तो सेल में ऐड होगा, तो सेल में से हमें माइनस करना पड़ेगा और मशीन में से भी माइनस करना पड़ेगा, दोनों जगह से माइनस करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसका इफेक्ट मैंने लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड माइनस फ्रॉम सेल्स और बैलेंस शीट एसेट साइड माइनस फ्रॉम मशीनरी। ये माइनस है, तो हम लोग मशीन में से भी माइनस करेंगे, दोनों जगह से माइनस करेंगे। तो हम सेल्स में इधर जाएंगे, लिखेंगे लेस सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी ₹2,000। अब 1,19,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 1,17,500। ये हो गया। तो उसका दूसरा इफेक्ट मशीनरी में आएंगे, लिखेंगे लेस सेल ₹2,000। 2,000 का सेल किया है तो ये हो जाएगा ₹58,000। तो हमारी अभी एक्चुअल मशीन की वैल्यू ₹58,000 है। अब हम थर्ड एडजस्टमेंट में जाते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट दिया डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट एट 5%। तो जो भी एसेट है, फिक्स एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएशन कंपनी के लिए क्या है, लॉस। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में माइनस फ्रॉम एसेट। जो भी एसेट रहेगा उसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। एसेट की वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो पहला हमारा फिक्स एसेट है फर्नीचर, तो फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 5% है। अब 38,500 का 5%, तो जैसे मैंने बताया 0,0 कम करो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 25, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 40 और 2 42, 2 4 कैरी फॉरवर्ड, 5 15 और 4 19, 3 1925 होगा। अब इसमें इसको माइनस कर देते हैं, 0 है, इसके बाद कुछ नहीं, इससे बॉरो करेगा, इसके बाद भी कुछ नहीं, इससे बॉरो करेगा, रेगा 10 10 में से इसको दे देगा, तो ये रेगा 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर जा 9 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर जा 4 4 में से 9 नहीं जाएगा, इससे बॉरो करेगा, तो ये हो जाएगा 14 14 में से 9 गया 5, यहाँ पर बचा 7 7 में से 1 गया 6, यहाँ पे 36,575। अब इसमें से भी क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन
तो अब इसका ही 5% निकालना है, तो 2 0 कैंसिल करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 0, 5 40 का 0, 4 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 25 और 4 29, तो 2900। अब इसको माइनस कर देंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में ये इससे बारो गया, 0 में से 9 नहीं जाएगा तो इससे बारो करेगा 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 गया 5, और ये 5 ऑलरेडी है, तो 55,100। और इसके बाद हमारा तीसरा फिक्स एसेट है बिल्डिंग, तो यहाँ पर लेस डेप्रिशिएशन 5%, तो 20,000 का 5% निकालेंगे तो ये 1,000 आ जाएगा, और 20,000 में से 1,000 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 19,000। तो ये हमारा डेप्रिशिएशन हो गया, सबका एक एक इफेक्ट हो गया। अभी हम लोग सेकेंड इफेक्ट इसका करेंगे, तो सेकेंड इफेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इधर जगह नहीं है तो हम बैक साइड में लिख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिशिएशन पहला है फर्नीचर, दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी, तीसरा है बिल्डिंग। तो फर्नीचर का अमाउंट जो हमारा है, फर्नीचर का अमाउंट है 1925, आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख देते हैं। हमारा प्लांट एंड मशीनरी 2900 और हमारा बिल्डिंग है 1000 रुपीज़, बिल्डिंग यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारा डिप्रिशिएशन का भी सेकेंड इफेक्ट भी हो गया। फोर्थ एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो फोर्थ एडजस्टमेंट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि जो सेकेंड और थर्ड एडजस्टमेंट जो दिया था, इन केस अगर कभी थर्ड एडजस्टमेंट पहले दिया है और ये सेकेंड वाला एडजस्टमेंट बाद में दिया रहे, तो कभी ये थर्ड की जगह पे दे दे और ये सेकेंड की जगह पे दे दे, तो हमें ये सेल्स का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एडजस्टमेंट है ये पहले करना होगा और ये वाला बाद में करना होगा, क्योंकि ये इसके लिए क्योंकि हमें एक्चुअल सेल्स पे ही डिप्रिशिएशन निकालना होता है, और ये एडजस्टमेंट करने के बाद ही हमें एक्चुअल सेल्स पता चलेगा, मशीन का एक्चुअल वैल्यू मशीन की पता चलेगी, मशीन की एक्चुअल वैल्यू पे ही डेप्रिशिएशन निकालना होता है। तो मशीन की एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए हमें पहले वाला एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम कभी भी वो एडजस्टमेंट पहले करेंगे और डेप्रिशिएशन का एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब हम फोर्थ वाले एडजस्टमेंट में जाते हैं। फोर्थ वाला एडजस्टमेंट क्या दिया है, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये वाला एडजस्टमेंट, इसमें दो एडजस्टमेंट है, इसमें से ये जो ये एडजस्टमेंट करने के लिए हमें पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए ये पार्ट को थोड़ा रहने देते हैं, लेकिन उसके बाद जो दिया है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो ये वाला एडजस्टमेंट कर लेंगे, इसका जो है हमें बाद में ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद करेंगे, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम का कर दे। तो इसका जो इफेक्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट, अब हाँ बच्चों कन्फ्यूजन क्या होता है, करंट इस अमाउंट पे निकालना है कि ये वाले अमाउंट पे निकालना है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, तो कभी भी हम कैपिटल पे ही निकालेंगे, करंट पे नहीं निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन करंट बोला होता है तो हम करंट पे निकालते थे, लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है तो हम कैपिटल पे ही निकालेंगे। तो 90,000 का 5%, तो 90,000 का 5% निकालेंगे तो 4,500 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 4,500।
सिप्रा का 4,500, और 30,000 का अगर 5% करेंगे तो 30,000 का 5% करेंगे तो हो जाएगा 1,500, तो उसका भी हम लोग लिख लेंगे 1,500। ये मैंने ओरल कैलकुलेशन किया है, आप लोग को पहले ही मैंने बताया है। सिंपल क्या करना है, दो जीरो कम कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी दो जीरो कम कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस मैंने ओरली कर दिया। अब इसका एक इफेक्ट हो गया, अब हम इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिप्रा मनीषा तो शिप्रा का 4,500 और मनीषा का 1,500 दोनों को ऐड कर देंगे 6,000। तो इसका सेकेंड इफेक्ट भी हो गया। अब इसके आगे हम जाते हैं हमारा फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट, जो बहुत बार सिम कर चुका है, सिंपल एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस 200 एंड सैलरी 500। इसका इफेक्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू आइटम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो जो आइटम दिए उसमें ऐड कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें मिलेगा वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग 200, 800 और 200 1,000 हो जाएगा, और सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग 500, 3,500 और 500 ऐड कर देंगे तो 4,000 हो जाएगा। तो 3,500 में 500 ऐड किया 4,000 हो गया। इसके बाद इसका सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड में लिख रहे हैं हम लोग, वेजेस सैलरीज। वेजेस कितना है 200, सैलरी है 500 और 500 700। अब इसके बाद लास्ट वाले एडजस्टमेंट में जाते हैं। लास्ट वाला एडजस्टमेंट दिया है हमें क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट 3% ऑन सैलरी डेटर। ये हमारा क्या है, न्यू आरडीडी। तो न्यू आरडीडी का इफेक्ट हम देख लेते हैं। इफेक्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू बैड डेट, और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड माइनस फ्रॉम डेटर। तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू बैटर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले हम इसको डेटर में क्या करेंगे, 3% निकालना पड़ेगा। तो डेटर में जाएंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे लेस न्यू आर डी डी, और ये कितना है 3% है। तो 28,000 का 3% कितना होगा, तो सिंपल दो जीरो कम कर दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 0 0 0, 3 8 24 का 4, 2 कैरी फॉर, 3 2 6, 6 2 8, तो हमारा 840 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस कर देंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 4 नहीं जाएगा, इससे बोरो करेगा, ये इससे बोरो करेगा, इसको देगा 10 हो जाएगा, और ये इसके पास 10 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, अब यहाँ पे बचा 7, 27,160। तो ये हमारा यहाँ पे अमाउंट मिल गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, लेकिन यहाँ पे हमें बैड डेब्ट नहीं दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें बैड डेब्ट कहीं पर भी नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही टू न्यू आर डी डी लिख देंगे डायरेक्ट 840 रुपीज़।
अब यह हमारा एडजस्टमेंट हो गया है। इसके बाद में स्टेप थ्री क्वेश्चन नंबर 10 के टैली का वीडियो बनाऊंगा। आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा और उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।